पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में फाइनेंस में हुई, 2008 में हुई, इसी दिल्ली में मैं आया था। मैं कभी लोकल ट्रेन में नहीं बैठा, मैं मेरी पूरी जिंदगी में लोकल ट्रेन में नहीं बैठा था, लेकिन फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने के लिए इसी दिल्ली में आया था, राजधानी से आया, इंटरव्यू दिया और इसी दिल्ली से मुझे जापान के लिए कॉल आया कि आपकी प्लेसमेंट वहां पर होती है। लेकिन उस बीच का समय था, एक 6 महीने का गैप इंटरव्यू देने के बाद, अलग अलग कैंपस इंटरव्यूज देने के बाद 6 महीने का गैप, तो उस 6 महीने के गैप में एक तो पढ़ाई करने की आदत लग गई, एक ही दिन में पास हो गए तो पढ़ाई छूटती नहीं है वो, तो मैं सोच रहा था कि पढ़ाई तो हो गई है तो अभी पीएचडी का जो काम है ना, वो थीसिस है, वो बाबा साहब के ऊपर करते हैं या मूवमेंट के ऊपर करते हैं। इसलिए बाबा साहब के ऊपर जब मैं पीएचडी का अभ्यासक्रम कर रहा था तो बहुत सारी बातें मुझे पता चली, राइटिंग एंड स्पीचेस बाबा साहब की पता चली, देख हम लोगों ने जब पढ़ा बाबा साहब के वॉल्यूम्स पढ़े, आज भी मेरे बैग में वॉल्यूम रहेगा, हमेशा मेरे साथ वो वॉल्यूम में अपने ट्रैवलिंग में पढ़ता रहता हूँ। जब मैंने देखा कि बाबा साहब के साथ कितना अन्याय हुआ है, बाबा साहब बैरिस्टर है, इस देश को संविधान देते हैं, लेकिन क्या संविधान देने के बाद बाबा साहब को संसद में आने के लिए इजाजत मिली? बाबा साहब को संसद में आने तक नहीं दिया गया। जिस महान व्यक्ति ने इस देश का संविधान लिखा, उस महान व्यक्ति को संसद के सीढ़ियां तक चढ़ने के लिए उनको पराजित कराया गया। बाबा साहब के साथ इतना अन्याय इस देश में हुआ। मैं सोच रहा था कि जो काम बाबा साहब कर रहे थे उसको कहीं ना कहीं पे ये जो व्यवस्था गांधी नेहरू के माध्यम से, सवर्णों के माध्यम से चल रही थी, ये बाबा साहब को न्याय नहीं देना चाहती थी। आखिर तक बाबा साहब को न्याय नहीं दिया। बाबा साहब ने 1950 में जब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंसेस में अपनी शिरकत की, अपनी बात रखी, 1950, 54, 56, इन 3 सालों में बाबा साहब ने विश्व के लोगों के सामने अपनी बात रखी। विश्व बाबा साहब का गौरव करता है लेकिन भारत बाबा साहब का गौरव नहीं करता है। बाबा साहब को भारत रत्न 91 में मिलता है और बाबा साहब को बोधिसत्व 1956 में नवंबर महीने में मिलता है। यानी विश्व बाबा साहब को गौरव करता है और भारत नहीं कर रहा। तो मैं तब ये सोच रहा था कि मेरा जन्म भी इसी परिवार में हुआ है। बाबा साहब बैरिस्टर होने के बावजूद, डीएससी होने के बावजूद, एलएलडी होने के बावजूद, बाबा साहब के पिताजी और बाबा साहब में झगड़ा चलता है, झगड़ा होता है। बाबा साहब के पिताजी कहते हैं कि मैंने आपको नौकरी करने के लिए पढ़ाई नहीं कराई है, मैंने आपको नौकरी करने के लिए तैयार नहीं किया था, मैंने आपको इस समाज की मूवमेंट चलाने के लिए तैयार किया। और बाबा साहब को जब ये बात पता चलती है, हम जिसको संकल्प दिवस के नाम से जानते हैं, बाबा साहब अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई वापस चले जाते हैं, उस सूरत में बाबा साहब बड़ौदा में बाबा साहब संकल्प लेकर चलते हैं कि मैं आज से ये मूवमेंट चलाऊंगा। और उसी परिवार में जन्म लेने के बावजूद अगर मैं मेरे परिवार का पालन पोषण करने का काम, नौकरी करने का काम करता रहूं, तो फिर मेरा इस अंबेडकर परिवार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। ये बात मेरे दिमाग में कहीं तो मेरे को चुभ रही थी, फिर ये अंबेडकर परिवार में जन्म लेने का मतलब क्या है। और इसलिए फिर मैंने तब से 2008 से मैं इस मूवमेंट में हूं, 20 at the age of 25, आज मैं 35 का हो गया हूं। मैं 2008 से आज 2018 10 साल हो गए, मैं 10 साल में आज मेरा नाम आप लोगों के पास आ रहा, 10 सालों के बाद मैं पूरा 10 साल ये पूरा महाराष्ट्र हो, पूरा आजू बाजू के जितने भी स्टेट्स हो, पूरा भारत घूम रहा हूं। और फिर ये मूवमेंट में इसलिए नहीं लड़ रहा कि मुझे यहां पर आपका कोई नेता बनना है, मुझे आपके यहां से कोई सीट लड़नी है, या आप मुझे कोई एमएलए एमपी या कोई सीएम बना दोगे। मैं तो इतना देखिए, मैं अभी पिछले मई महीने में यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस के लिए गया था जो थाईलैंड में हो रही थी। 85 कंट्रीज के प्रतिनिधि कहने से अच्छा है कि वहां के देश के इंटेलेक्चुअल्स भेजे गए थे। श्रीलंका के वाइस प्रेसिडेंट वहां पर थे, थाईलैंड का राजा किंग वहां पर था, सारे नीचे बैठे हुए थे। यानी बाबा साहब ने हमारा कितना काम करके रखा है आपको बताना चाहता हूं। हम जब घूम रहे थे लंच आवर्स में, जैसे हम लोग सब इकट्ठा हुए लंच लेने के लिए, सब लोग एक दूसरे को मिल रहे थे, फोटो निकाल रहे थे, उसी समय वो थाईलैंड में जब ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी महाचुला लौकॉम यूनिवर्सिटी में, तो वो यूनिवर्सिटी का कैंपस इतना बड़ा था, 50,000 to 80,000 लोग उस कॉन्फ्रेंस में थे, अलग अलग 85 कंट्रीज के इंटेलेक्चुअल्स वहां पर थे। चाइना के लोगों ने जब हमको देखा, चाइना के लोग हमको पूछते हैं विच कंट्री, हमने भी उनको जवाब दिया इंडिया।
क्या जवाब आया पता है उनसे? ओ अंबेडकर जी ने, आज बाबा साहब ने हमारी पहचान विश्व में बना दी है, हमको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब ने विश्व में हमारी पहचान बना दी है। और आज मैं ये नहीं चाह रहा कि मुझे आपका पीएम बनना है या राष्ट्रपति बनना है, ज्यादा से ज्यादा तो राष्ट्रपति बना सकते हो, उसके ऊपर तो कोई पद है नहीं, और ये राष्ट्रपति भारत तक ही सीमित होता है, भारत तक ही। तो आप तो मेरा डिमोशन करा रहे हो बाबा, मेरा जन्म इस परिवार में होने के बाद तुरंत बाद ही मेरे को इतना बड़ा पद मिला है जो विश्व में गौरवशाली पद है, जो मेरे नाम के पीछे लगता है अंबेडकर, ये उस राष्ट्रपति के पद से भी बड़ा है। आज भी मैं बाहर जाऊं तो वहां पर मुझे आदर से बुलाया जाता है, हमारी कॉन्फ्रेंस में से प्राइम मिनिस्टर को नेक्स्ट दर्जा है, अंबेडकर नाम के बाद का दर्जा उसको मिलता है प्राइम मिनिस्टर को। तो ये मोमेंट हम बाबा साहब की जो विजन है, जो बाबा साहब को उम्र नहीं मिलने के नाते वो पूरा नहीं हो पाया, उसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अभी किसी ने मुझे पूछा था, इतने लोग आएंगे फिर भी हमको तो कोई न्याय मिलने नहीं वाला, मुझे पता है नहीं मिलने वाला, राष्ट्रपति तक यहां का बिका हुआ है, वो आरएसएस का चुना हुआ है, वो आरएसएस का एजेंट है, वो हम राष्ट्रपति तक हमको न्याय नहीं देने वाला, तो फिर हम ये 26 नवंबर का खेल क्यों खेल रहे हैं? तो सबका तो टाइम वेस्ट है, सबकी एनर्जी वेस्ट है, वेस्ट नहीं जाएगी, ये वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि देखिए भले ही भारत की ये सारी सिस्टम ब्राह्मणों के हाथ में चली गई हो, लेकिन आज भी विश्व के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, और ये विश्व के लोगों के सामने जोड़ने का काम विश्व के जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है, मेरा पहला एजेंडा यही है अभी, क्योंकि भारत की पूरी यंत्रणा ये आरएसएस के कब्जे में चली गई है, भारत से हमको न्याय नहीं मिलने वाला, इसलिए हमको जो न्याय इस देश में इस देश के लोगों के लिए लाना है वो बाहर से लाना होगा, हमारे सेफगार्ड हमारा सुरक्षा कवच ये बाहर से लाना होगा, और इसलिए बाबा साहब ने जिस लाइन ऑफ एक्शन पे काम किया था उसी लाइन ऑफ एक्शन को मैं आगे लेके जा रहा हूं। 1950 को बाबा साहब डब्ल्यूएफपी के पहले कॉन्फ्रेंस में गए, 1952 में बाबा साहब मुंबई के लोकसभा इलेक्शन के लिए वहां पर लड़ रहे थे, इसलिए 1952 के कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब नहीं गए। ये कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस, जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है उतने बुद्धिस्ट कंट्रीज को 2 साल में एक बार अलग अलग देशों में बुलाती है, और उनकी समस्या क्या है ये जानती है और उनके पीछे खड़ी रहती है। बाबा साहब 1950 में जाया करते थे, 1952 को बाबा साहब सेकंड में नहीं गए, थर्ड कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब गए 1954 में, और फोर्थ कॉन्फ्रेंस में 56 भी ये गए। 15 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक ये कॉन्फ्रेंस चली, बाबा साहब मुंबई वापस दिल्ली आए और बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया। बाबा साहब ने जो लाइन ऑफ एक्शन खड़ी की थी, आप अगर बाबा साहब के 1917 से लेके 1956 का आंदोलन अगर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि बाबा साहब इस देश में जो सेफगार्ड्स, जो सुरक्षा कवच, सेफगार्ड का हिंदी ट्रांसलेशन सुरक्षा कवच ही कर सकते हैं, सेफगार्ड जो लाते थे या सेफगार्ड जो हासिल करते थे ये भारत के व्यवस्था के पास से नहीं मानते थे। क्या तिलक ने कभी बाबा साहब के आंदोलन को पॉजिटिव रिप्लाई दिया? क्या गांधी ने बाबा साहब के मूवमेंट को कभी हाँ ठीक है ये लेके जाओ कहा? उल्टा जो साउथ ब्यूरो कमिटी हो, साइमन कमीशन हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, रैमसे मैकडॉनल्ड हो, ये लोग जो दिया करते थे ये तो छीनने के लिए आंदोलन करते थे। यानी बाबा साहब इस देश के लोगों के लिए जो सेफगार्ड लाते थे वो बाहर के लोगों से लाते थे, लेकिन अंग्रेज भी जाते जाते ये देश नेहरू के हवाले करके गया, और वो बाबा साहब को एक ये हुआ कि आज जो लोग हमारे ऊपर सामाजिक अन्याय करते थे उन्हीं के हाथों में राजनीतिक सत्ता चली गई है, अब मांगे किससे? इस देश में सेफगार्ड लाए किससे? जो खुद अत्याचार करता है वो तो हमको सुरक्षा देगा नहीं। और इसलिए बाबा साहब ने बुद्धिज्म एज अ रिलीजन नहीं, बुद्धिज्म एज अ आंदोलन, बुद्धिज्म एज अ मूवमेंट, बाबा साहब ने इस देश में बुद्धिज्म की मूवमेंट खड़ी की। बुद्धिज्म की मूवमेंट इसलिए खड़ी की कि विश्व के जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है ये आप उनके पास अगर गए तो वो आपके मदद के लिए आएंगे। बाबा साहब की इस हिस्ट्री को जानते हुए 50, 54, 56 के मैं जब मई महीने में गया यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस के लिए, 7 दिन का कॉन्फ्रेंस था, 3 दिन ये कॉन्फ्रेंस चला, 4th दिन में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के हेडक्वार्टर में गया, और वहां पर मैंने कहा
कि बाबा साहब यहां पर आते थे, आपके कॉन्फ्रेंस के लिए आते थे, 56 के बाद आप लोग हमसे संपर्क क्यों नहीं बनाते। उन्होंने कहा उसके बाद तो हमारे पास कोई अप्रोच करने के लिए आया ही नहीं, कोई अप्रोच नहीं किए। तो मैंने कहा ठीक है, यहां तक कोई नहीं आया आपको अप्रोच करने के लिए, लेकिन आज मैं बाबा साहब के बाद के तीसरी पीढ़ी में, तीसरा जनरेशन से मैं आपके पास आ रहा हूं, हम आपसे संबंध बनाना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं। ठीक है कहा। और उन्होंने मेरे जितना उनकी फी भरनी थी वो सारी फी भर दी मैंने, $600 उनकी फी पेंडिंग थी वो फी भर दी। और अब 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक टोक्यो जापान में फिर से वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की 29th कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया कि आप भारत से आइए और अपने लोगों की समस्या वारा की। अब हम बाबा साहब जिस लाइन ऑफ एक्शन पे काम करते थे वो लाइन ऑफ एक्शन को हमको आगे लेकर जाना होगा। इस देश में अगर कोई भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, और अगर इस देश में होने वाले अन्याय अत्याचारों को अगर हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रखते हैं तो वो लोग आपको मदद करने के लिए आ सकते हैं, वो लोग आपको मदद करने को आ सकते हैं। इस लाइन ऑफ एक्शन को लेकर चलना होगा, वरना सुप्रीम कोर्ट में कौन न्याय देगा। वो जजेस खुद रो रहे हैं, वो खुद रो रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। यहां से नहीं होगा, यहां पे अगर न्याय नहीं मिलता, देखिए आपका हमारे महाराष्ट्र का एक मिलिटेंट पाकिस्तान में पकड़ा गया, वो पाकिस्तान के जेल में है, तो उसको छुड़ाने के लिए आईसीजे में गए ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाधव के लिए। तो अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की ये केस चल सकती है तो हमारी केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं चल सकती। हमको वहां पर संबंध बनाना होगा, संपर्क बनाना होगा। हम भारत के बाहर संपर्क ही नहीं बना रहे, हम भारत के बाहर छोड़ो, आप दिल्ली के बाहर कहां संपर्क बना रहे, मैं महाराष्ट्र के बाहर कहां संपर्क बना रहा हूं, या आप तमिलनाडु के बाहर कहां संपर्क बना रहे हो, कोई केरल के बाहर जाने के लिए तैयार नहीं, कर्नाटक के बाहर जाने के लिए तैयार नहीं। हम अपने अपने ही स्टेट्स में लगे पड़े हैं, और स्टेट में भी नहीं है हम लोग, हम अपने तहसील में, अपने ग्राम लेवल पे और अपने गली लेवल पे ही लगे हुए। इसलिए हमको हमारे आने वाले जनरेशन के अगर हमको अधिकार सुरक्षित करने हैं तो बाबा साहब ने जिस तरह से हमारे लिए काम किया है उसको सिर्फ हमको इंप्लीमेंट करना है, हमको सिर्फ उसको सामने लाना है, ये काम हमको करना है। सेकंड थिंग, आप लोगों ने कहा कि आपका परिवार एक कर दो। देखिए मैं मूवमेंट में आने से पहले मेरा सबसे पहला फोन प्रकाश अंबेडकर जी को था, मैंने सबसे पहला फोन किया हम मूवमेंट में उतर नहीं, मैं बताता हूं, सबसे पहला फोन मेरा उनको था कि हम आपके साथ आना चाहते हैं। मेरे पिताजी ने फोन किया कि राजद ने ये काम करना चाहता है आपके पार्टी से करा, आज तक उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है, आज तक रिप्लाई नहीं है। और जब मैंने, और मुझे अच्छा भी लगा कि अच्छा रिप्लाई नहीं आया, अगर रिप्लाई आता तो शायद मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में, नहीं एमएलए नहीं भी होता तो भी उस पॉलिटिकल पार्टी में सीमित हो जाता, महाराष्ट्र में सीमित होता, कहां मैं यहां पर आ पाता। और ये मूवमेंट इतनी गलत चल रही है, मैं तो आपको बोलना चाहूंगा, मैं बाबा साहब के परिवार से हूं, इसलिए अगर आप मुझे साथ सहयोग देना चाहते हो अभी से बंद कर दो। अगर मैं बाबा साहब के परिवार से आ रहा हूं इसलिए मेरे को सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट मत करो, बिल्कुल सपोर्ट मत करो। अगर मेरे विचार ठीक है, अगर मैं बाबा साहब के विचारों पे चल रहा हूं तो ही मुझे सपोर्ट करो, वरना बाबा साहब के नाम से मैं चल रहा हूं तो बिल्कुल मुझे सपोर्ट मत करो। मेरा खुद का मानना यह है, मेरा खुद का मानना यह है कि इस देश में जो जो व्यक्ति बाबा साहब के विचारों पे चलता है वो बाबा साहब का वंशज है, हर वो व्यक्ति जो बाबा साहब के विचारों पे चलता है, और जो बाबा साहब के विचारों पे नहीं चलता भले ही वो अंबेडकर परिवार में जन्मा हो वो बाबा साहब का वंशज नहीं है, नहीं है। क्या चल रहा है आज घर में, ब्राह्मण आ गए बाबा साहब ने क्या बोलते हैं ब्राह्मण औरत से शादी, हाँ तो बाबा साहब ने भी की थी ना, बाबा साहब ने ब्राह्मण से शादी की, लेकिन उस ब्राह्मण औरत को बाबा साहब ने बुद्ध के चरण में नतमस्तक कराया। हमारे लोग ब्राह्मण से शादी करते हैं और गणपति को नतमस्तक हो रहा है, बोलो कौन है असली मर्द। ये आप बोलते हो रामदास अठावले ब्राह्मण से शादी कर लिया, और बाबा साहब को उदाहरण देता है कि बाबा साहब ने भी की, आप तो बाबा साहब कब शिरडी में गए। बाकी के लोगों के लिए मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन हमको यह समझना होगा कि मूवमेंट
घर में अभी आप लोग बोल रहे हो प्रकाश जी की पार्टी अलग, आनंद राज जी की पार्टी अलग, मेरी तो कोई पार्टी नहीं है, मैंने तो कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर नहीं कराई कि नहीं चला रहा हूं मैं कोई। मेरा तो एक ही मानना, बाबा साहब ने पूरे लाइफ का कंक्लूजन हमको दिया, पूरे लाइफ का कंक्लूजन, जाते जाते बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया थी, 30 सितंबर 1956 को आपके ही अलीपुर रोड के बंगले पर मीटिंग हुई बाबा साहब की। आप पढ़ो प्रबुद्ध भारत के अंग पढ़ो, बाबा साहब कहे थे आज से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में बर्खास्त करता हूं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करता हूं। कहां हुई वो? आगे बाबा साहब को उतना समय नहीं मिला, यही पार्टी मैं दावे के साथ कहता हूं इसी नाम से नेहरू ने ये पार्टी रजिस्टर करवाई, आपको पता नहीं? यही पार्टी का नाम लेकर नेहरू ने ये पार्टी रजिस्टर करवाई। एक सीट पर आरपीआई का समझौता होता है कांग्रेस, एक सीट पर। जो बाबा साहब कहते हैं कांग्रेस जलता हुआ घर है, क्या बाबा साहब के बाद बनी हुई पार्टी कांग्रेस में विलीन होगी? आज तक कांग्रेस में पड़ी हुई है, हमारे महाराष्ट्र में रहता है गवई करके, गवई वो आज तक कांग्रेस के दरवाजे पे पड़ा हुआ है। आज तक वो बाबा साहब की पार्टी हमारे लिए खुला नहीं करता कि आओ आप बाबा साहब के घर के हो तो ये चलाओ, नहीं करता वो। आज तक वो पार्टी कांग्रेस के दरवाजे पे पड़ी है। तो हमको ये पार्टियों को मुक्त कराना होगा। बाबा साहब का एजेंडा है पार्टी को लेकर किस तरह से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया होगी। अरे राम मनोहर लोहिया तक इस पार्टी के प्रेसिडेंट होने वाले थे, वो विजन लेके हमको चलना होगा। हमको कंक्लूसिव, हमको इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करना होगा। दलित 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 ये मानसिकता निकालनी होगी हमको, ये मानसिकता से बाहर निकलो। दलित मानसिकता कितने दिन तक रखोगे? और इसलिए हमको ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, जो बाबा साहब क्या करते थे, मुसलमानों का समर्थन बाबा साहब को मिल रहा था, ओबीसी का समर्थन बाबा साहब को मिल रहा था, राम मनोहर लोहिया क्या मुसलमानों के नेता है क्या? बंगाल से जीत के आए थे, बंगाल से बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा गया, जोगिंद्रनाथ मंडल जी ने भेजा, प्रजाकर्षक पार्टी का समर्थन मिला। तो ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, आज देखिए आज हालात ऐसे है कि जो ब्राह्मणों के नजदीक जो जातियां है ना, वो आपको स्वीकारने को तैयार नहीं है। तो कम से कम जो आपको स्वीकारने को तैयार है, बाबा साहब को मानने को तैयार है, इस देश की माइनॉरिटीज को साथ ले लो, सिख हो मुस्लिम हो, इन लोगों को साथ में ले लो। ये लोग आज भी बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन हम लोग दलित दलित करके सिर्फ एक ही जाति के लोगों को लेकर अगर चलते रहेंगे तो बाबा साहब का विजन पूरा नहीं होगा। रिपब्लिक बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बर्खास्त करते हैं। क्यों बर्खास्त कर रहे हैं? क्योंकि आज से मैं शेड्यूल कास्ट ये नाम नहीं लेके चलना था। रिपब्लिक, रिपब्लिक को हम प्रजासत्ताक कहते हैं, प्रजा की यानी जाति को बाबा साहब दूर रख रहे हैं और प्रजा की पार्टी बाबा साहब बना रहे हैं। हम प्रजा को दूर रख रहे हैं और जाति और उपजाति में लगे पड़े हैं। तो हमको ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के बारे में सोचना होगा। मेरे पास बुक है, बाबा साहब का स्पीच है, क्या कहते हैं बताए बाबा साहब, आप लोग जो भी आंदोलन चलाओ और जैसे ही आपका मूवमेंट चले, इसकी डोर कभी भी ब्राह्मणों के हाथ में मत दो। तो ये तो इंस्ट्रक्शन है ना, अरे सिगरेट का बॉक्स अगर लेते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है इंस्ट्रक्शन क्लियरली, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। क्यों होता है? क्योंकि उससे कैंसर होगा। तो बाबा साहब ने भी हमको इंस्ट्रक्शन दिया है, ये कैंसर है, इसको साथ में मत लो, इसको अपना मूवमेंट चलाने मत दो। फिर भी आप इसको मूवमेंट में लेते हो, संगठन में लेते हो और उसके हाथ में दे देते हो संगठन। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो बाबा साहब ने दिए हैं उसको हमको फॉलो करना होगा। बाबा साहब का इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, आज तो फिलहाल मैं पॉलिटिकल आंदोलन नहीं चला रहा, पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चला रहा, जो इस देश के संविधान को बचाने की बात करेगा, हमारी बात करेगा। देखिए हम कितना भी रस्ते पे चिल्ला ले चिल्लाए, हमारे आवाज को जब तक संसद में कोई नहीं उठाएगा तब तक हमको उतना न्याय नहीं मिलेगा। और इसलिए चुने हुए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या चुने हुए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, हम उसके पास भी जा रहे हैं, उनके पास भी बात रख रहे हैं कि आप हमारा ये मुद्दा संसद में रखो, अगर रखते हो तो हम आपको साथ लेंगे, अगर नहीं रखते तो आप हमारे कोई किसी काम के नहीं। तो इस तरह से जो मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आप यहां तो हमको कुछ न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करने वाले हो, मैं इस देश के व्यवस्था के भरोसे पे बैठा ही नहीं हूं, मैं बाहर की जो यंत्रणा है उसको ये इस देश में लाने की कोशिश कर रहा हूं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से संपर्क कर रहा हूं, वो
जब तक हम अपनी बात वहां तक नहीं रखेंगे कि किस तरह से हमारे मानव अधिकारों का उल्लंघन इस देश में हो रहा है, इसके लिए विश्व के स्तर पर हमारा बयान होना चाहिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो एक मूवमेंट हमको खड़ी करनी है। और इसलिए ये एक दो बात जो रह रही थी या उठी थी लेकर परिवार को लेकर कि एक हो जाओ, तो मैं तो देखिए हम 60 सालों से यही कह रहे हैं कि सभी लोग एक हो जाओ, एक हो जाओ। इसलिए मैंने तय किया है ये नेताओं को एक करने के बजाय इन मेरा जो समाज है इसको एक करने का काम मैंने मुझे करना है। इनको 60 सालों तक हम लोग एक नहीं ला पाए तो कम से कम इस समाज को एक करके इसका मूवमेंट हम लोगों को खड़ा करना है और इसमें से जो लायबल होगा उसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे। वरना एक मैं तो आपको और एक बता देता, ये जो सेंट्रलाइज लीडरशिप है ना ये सबसे घातक है, ये पहले तोड़ दो। सेंट्रलाइज लीडरशिप यानी पूरे देश का एक नहीं नेता, ये तोड़ दो, ये पूरा सिस्टम ही तोड़ दो। सेंट्रलाइज लीडरशिप, हमारा डिसेंट्रलाइज लीडरशिप होनी चाहिए। अगर महाराष्ट्र से एक नेता खड़ा है तो आपके यूपी से नेता खड़ा होना चाहिए, दिल्ली से नेता खड़ा होना चाहिए, एमपी से नेता खड़ा होना चाहिए। जो बात मैं महाराष्ट्र से कर रहा हूं वही बात आप दिल्ली से करो, वही बात आप यूपी से करो, वही बात आप पंजाब से करो। इससे क्या होगा पता है? अगर मुझे हाईजैक कर लिया गया तो बाकी के सब लोग वही बात करेंगे जो मैं नहीं कर पा रहा। आज वही हो रहा है। कल को समझो चंद्रशेखर को हाईजैक कर लिया, वो कल को ब्राह्मणों का बात करने लग गया, तो क्या कर लोगे? तो सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं बनानी हमको, हमको वही जो बात हम लोग कर रहे हैं, जो बात संविधान में लिखी है, वही बात पूरे स्टेट से उठनी चाहिए, हर एक स्टेट से उठनी चाहिए। जो एजेंडा हम तैयार कर रहे हैं वो हर एक स्टेट से उठना चाहिए। कल को मुझे भी कैप्चर कर सकते हैं, तब क्या कर लोगे? मेरे अकेले के भरोसे पे अगर मूवमेंट चलाओगे और मुझे ही कैप्चर कर लिया, मुझे ही कहीं पे ईडी में फंसा लिया, तब तो मूवमेंट खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। हमको जो पास्ट में हमसे गलतियां हुई है उसको सुधारने का एक मौका मिल रहा है। पास्ट में जो गलती हुई है उसको हमको सुधारना होगा। हमको डिसेंट्रलाइज लीडरशिप हर एक स्टेट में वो उस तरह का एक लीडर हमको तैयार करना होगा, हमारा खुद का। जिस तरह से आरएसएस का स्ट्रक्चर है, आरएसएस का खुद का स्ट्रक्चर नहीं है, ये बाबा साहब के समता सैनिक दल से चुराया हुआ इन लोगों का स्ट्रक्चर है। ये खुद के दिमाग से कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब ने जो पॉलिसीज आरटीआई के माध्यम से बनाई थी यही पॉलिसीज उठा के वो बीजेपी के माध्यम से लागू करता है। ये आरएसएस के लोगों को नंगा करके अगर छोड़ दिया ना इस दिल्ली के बस्ती पे या रोड पे, तो वो खुद के दिमाग से, वो अपने दिमाग से एक पैंट भी खरीद के पहन नहीं सकता, इतनी कैपेसिटी उन लोगों में नहीं है। ये सारा वो बाबा, जितना बुक्स आप बाबा साहब का नहीं पढ़ते उतना बाबा साहब का अध्ययन वो कर रहे हैं, उतना अध्ययन रोज कर रहे हैं। और उनकी दिक्कत क्या है पता है? आज भी वो बाबा साहब के बारे में कहीं तो कुछ गलत मिलता है कि नहीं, इसका रिसर्च कर रहे हैं, कहीं तो कुछ मिल जाए। इतना रिसर्च करने के बावजूद बाबा साहब के बारे में एक गलत बात नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो क्या ढूंढ लिया है? राम जी। बाबा साहब के पिताजी का नाम राम जी था। अरे राम जी था तो क्या नाम तो आज भी हमारे लोगों के ऐसे है, रामविलास पासवान है, रामदास आठवले है, तो क्या वो राम से संबंधित है? तो ये कुछ नहीं ढूंढ पा रहे, तो इस तरह का बात ये कर रहे हैं। और इसलिए मैं आज ये बात जो उठी थी उसको ही क्लियर करने के लिए ये मुद्दा लिया। वरना अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इसके अपार्ट में कोई बात नहीं करना चाह रहा था। तो हम लोग सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मुद्दों को हम लोग एक बैठ के, आप लोग सारे इंटेलेक्चुअल्स हो, बिहाइंड द कर्टन बैठ के हमको ये सोचना होगा कि हमारे मुद्दे क्या होने चाहिए, क्या क्या हाँ क्या क्या होना चाहिए। और मैं दिल्ली के जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, यहाँ के लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि यह भी यूपी से आते हैं, आप लोग भी अलग अलग स्टेट से आते हैं, जो ये जंतर मंतर की परमिशंस लेने का काम है, जो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पहले हमको तय करनी होगी। हमको कोई भी इलीगल काम नहीं करना है, हमको पूरी परमिशंस के साथ ही सारा काम करना है। देखो आज जो लोग अपने बच्चों को, अपने माताओं को, अपने बुजुर्गों को इस रैली में भेजने वाले हैं, वो हम पे विश्वास करके आ रहे हैं कि नहीं हमारे बाल को भी धक्का नहीं लगेगा, तो उनकी सुरक्षा करने का जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर हम लोग ही कोई परमिशंस ना ले और सभी के ऊपर कोई ना कोई केसेस लेकर उनको घर भेजे, तो फिर समाज आइंदा मूवमेंट में नहीं जुड़ेगा। इसलिए हमको लीगल परमिशंस लेकर पूरे संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखना है।
कोई उसमें हिंसा नहीं होगी, कोई अपना लाठी नहीं लाएगा, कोई पत्थर नहीं लाएगा। बाबा साहब ने कौन सी लाठी और पत्थर का आंदोलन किया है? बाबा साहब ने जितना किया है वो संविधान के माध्यम से किया है, और इसलिए हम लोगों को उसी माध्यम से ये कार्यक्रम करना है, 26 नवंबर का कार्यक्रम करना है, और ये शुरुआत कर देनी है। भले 5 लोग क्यों ना आ जाए, भले 5 लोग आ जाए हमारे इसमें, पर हम ये शुरुआत कर देंगे कि ये हम लोगों ने काम इस देश में शुरू कर दिया है। भले ही हम लोगों को कोई मीडिया उसमें दखल दे या न दे, हम लोगों का हेतु पब्लिसिटी का नहीं है, हम लोगों का हेतु हम लोगों की लीडरशिप एस्टैब्लिश करने का नहीं है। जो अधिकार हम लोगों को संविधान में मिले हैं, संविधान में सुरक्षित है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, यही उम्मीद, यही आंदोलन हम लोग लेकर चल रहे हैं। और इसलिए आप लोग जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो विद योर व्यूज, आपके वैचारिक जो भी कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हो वो आप लोग दीजिए, और जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, भर्ती सर है यही के हैं और एक अच्छा बैकग्राउंड है उनको मूवमेंट का, तो उनको पता है किस तरह से मूवमेंट करनी है, आंदोलन करने हैं, वो सारा एक्सपीरियंस लोग आप लोग हो। आप लोगों को मैं तो कहूंगा, हम थियरी तो पढ़ के आ गए, हम तो बाबा साहब की थियरी पढ़ ली है, आप लोगों को बताना है इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आप लोगों का एक्सपीरियंस चाहिए, आप लोगों का जितना एक्सपीरियंस है उतनी तो मेरी उम्र है। लेकिन आपने कोई कह रहा था कि हमने इतने साल आंदोलन किया हम फेल हो गए, मतलब आप फेल नहीं हो गए, आपका आंदोलन चलाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए हम लोग तैयार हो गए, हम लोग तैयार हो गए। और इसलिए आप लोगों ने जो आंदोलन चलाया है वो हमारे हाथों में ट्रांसफर कीजिए, हम उसको और आगे लेकर जाएंगे। अगर रेस जीतनी होती है, हम लोग बचपन में देखते थे वो रिले रेस, आप लोग वो हाथ में लेकर आ गए हैं मशाल, अभी वो हमारे हाथ में दीजिए, ताकि वो अंतिम हमारे मोमेंट फाइनल डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचाने का काम किया जाए। अगर हमें हाथ में लेकर ही नहीं, अभी मुझसे नहीं जा रहा, मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूं, ये करके नहीं चलेगा। हमको अगर डेस्टिनेशन तक, हमारे मकाम तक पहुंचना है, तो हमको ये ट्रांसफर करते आना चाहिए, ट्रांसफर मूवमेंट को करते आना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से विनती करूंगा कि ये मूवमेंट आज हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे हक और अधिकार के अस्तित्व की लड़ाई है, इसमें आप लोग सब लोग साथ सहयोग दोगे, यही आशा मैं आप लोगों से करता हूँ।